राइट फ्रेंड्स, सो नाउ यू टेक आपके मॉड्यूल में आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो पूरा की पूरा मॉड्यूल मैंने ना डीकेसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है. तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज से योर क्वेश्चन नंबर टू. टेस्ट योर नॉलेज से योर क्वेश्चन नंबर टू और 4.18 पेज के बाद 4.18 पेज पर है डीकेसी फॉर्मेट में जनरेशन 2050 करके कंपनी है पेरेटो एनालिसिस का. ओके, सो योर टेस्ट योर नॉलेज करके ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, राइट. इनको बहुत अच्छे से आप करिए करके ना टेस्ट योर नॉलेज. ओके, इज दिस क्लियर ऑन टेस्ट योर नॉलेज? ओके, पेरेटो एनालिसिस टेस्ट योर नॉलेज. जनरेशन 2050 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जनरेशन 2050 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड डेवलप कटिंग एज इनोवेशंस दैट आर पावरिंग द नेक्स्ट इवेल्युएशन इन द मोबिलिटी एंड हैज 9 टैबलेट स्मार्टफोन फोन मॉडल्स करेंटली इन द मार्केट हुज प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल डाटा इज गिवन बिलो. ओके, सो टैब 1 टैब 2 करके ऐसे टैब 9 तक अपने पास है, उनका सेल्स है और पीवी रेशो है. अच्छा, कोई भी अगर आपको पेरेटो एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन करना है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पहले आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करिए. तो यहाँ पे तो सेल्स अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखा है 5100, 3000, 2100, 1800, 1050, 750, 450, लेकिन पीवी रेशो को अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा. यूजिंग द फाइनेंशियल डेटा कैरी आउट ए पेरेटो एनालिसिस 80-20 रूल ऑफ सेल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस योर फाइंडिंग विद द एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन. मीन्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पास सेल्स भी है, आपके पास सेल्स भी है और आपके पास पीवी रेशो से प्रॉफिट भी है. ओके, तो पहले अपन इनको अरेंज कर लेते हैं. स्टेटमेंट शोइंग पेरेटो एनालिसिस फॉर सेल्स, दिस इज योर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग पेरेटो एनालिसिस. ओके, एंड दिस इज योर एनालिसिस फॉर, पहले अपन ने ले लिया है सेल्स, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ पेरेटो और पहला अपन को दे रखा है एनालिसिस फॉर सेल्स. सही है, सुनो फ्रेंड्स, पास फर्स्ट यू टेक मॉडल मॉडल, सेकंड यू टेक सेल्स सेल्स, देन यू टेक परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड देन यू टेक क्यूमुलेटिव परसेंटेज. ओके, सबसे पहले ए 001, व्हाट योर सेल्स 5100, से यस ऑन. ओके, देन यू टेक बी 002, व्हाट योर सेल्स 3000. Then C, this is your tab, na? Model in tab. C 003 is 2100.
डी डी 004 एंड 1800। मॉडल सेल्स परसेंटेज ऑफ सेल्स कंटिन्यू कर लेते हैं, बी 1800, देन ई 005, ई 005, 1050, एफ 006, 750, जी 007, 450, एच 008, 225, आई 009, 75। इसका अपन ले लेते हैं पहले टोटल। अगर नहीं भी दिया होता तो पहले हम लोग इसको क्या करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, फर्स्ट हाईएस्ट, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट। ओके, आपका सेल हो जाएगा 5100 राइट, प्लस 3000, प्लस 2100, प्लस 1800, प्लस 1050, प्लस 750, प्लस 450, प्लस 225, प्लस 75 इज 14550। ठीक है, अब आप आइए परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट मींस टोटल आपका जो सेल है दैट इज 14550, उससे सबको डिवाइड कर दो आप ना फ्रेंड्स। गो वेरी सिस्टमेटिक, 5100 से ले लीजिए आप, इट मींस 5100 डिवाइडेड बाय 14550, 14550 इंटू 100, देन 3000, 14550 इंटू 100, देन सिमिलरली राइट, इट मींस 5100 डिवाइडेड बाई 14550 इज इंटू 100 इज 35.05%। देन then 1800 divided by 14550 into 100 is 12.37%। ये क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स आपको, सेल्स हम लोगों ने ले लिया, सेल्स को टोटल सेल्स से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो 1050 डिवाइडेड बाय 14550 into 100 this comes to 7.22%। seven fifty divided by 14550 into 100 is 5.15%। 450 divided by 14550 into 100 is 3.09। 225 divided by 14550 into 100 is 1.54, 1.55 you can take, एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मॉड्यूल में मैंने
जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन है वो अपने डीकेसी फॉर्मेट में किए, तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट? इट मीन 75 डिवाइडेड बाय 14550 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 0.52 और आपका टोटल हो जाएगा 100%। सही है सुनो फ्रेंड्स, आ जाइए आप, कैसे किया है अपन ने, दिस इज योर प्रोडक्ट ए, उसका सेल्स, उसको सबसे पहले स्टेप अपना क्या रहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर टोटल, टोटल करने के बाद अपने को टोटल आ रहा है 14550, बराबर है। अब इसको 5100 डिवाइडेड बाई 14550 इंटू 135.05, ऐसे 20.62, ऐसे ही 14.43, ऐसे 12.37, ऐसे ही 7.22, ऐसे ही 5.15, ऐसे 3.09, ऐसे ही 1.55, ऐसे ही 0.52 एंड टोटल 100। सही आंसर, परफेक्टली क्लियर। ओके, अब इसको आप क्यूमुलेटिव ले लो, इट मींस योर टोटल 35.05 प्लस 20.62, 55.67। प्लस 14.43, 70.1। प्लस 12.37, 82.47। प्लस 7.22, 89.69। फाइव पॉइंट वन फाइव, 94.84। प्लस 3.09, 97.93। प्लस 1.55, 99.48। प्लस 0.52 इज 100%। ये आपका एक टेबल बनके तैयार हो गया। क्या किया आपने फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ले लिया 35 और उसको जस्ट क्यूमुलेटिव करते चले गए, मतलब इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया एंड सो। ओके, अब आप आ जाइए सेकेंड टेबल आप निकाल लीजिए फ्रेंड, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स टेबल सेकेंड एंड दिस इज फॉर contribution. Okay, so statement showing analysis of contribution. एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप ले लीजिए मॉडल टैब, ओके, उसके बाद सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो आपको देगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स प्लस पीवी रेशियो आपको क्या देगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके, एंड दिस ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज एंड थाउजेंड।
all the figures are rupees and thousand. ओके ये आ गया आपका. ओके ये आपका आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन. सेल्स एंड ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके ये पीवी रेशो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके और ये कॉन्ट्रीब्यूशन को डिसेंडिंग लेने के लिए हम लोग क्या दे देंगे रैंक. मतलब सबसे ज़्यादा हाईजेस्ट किस में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद किस में है, राइट. तो सबसे पहले ए 001, बी 002, सी 003, डी 004, ई 005. फाइव 100, 3000, 100, 1800, 105. ओके इनटू पीवी रेशियो 3.53, 23%, 14.29%, 14.17%, 41.43%. 5100 into 3.53%, 180.03. सो राउंड ऑफ करके ले लिया 188. राउंड ऑफ करके ले लिया. देन 3000 इंटू 23% इज 300. 1800 14.17%, 255, 1050 into 41.43%, 435. ये क्लियर बात है. इस पहले हम लोगों ने क्या ले लिया, जैसे ही सेल्स दे रखा है अपने को क्वेश्चन में एंड मल्टीप्लाई बाई पी वी रेशो, तो आपको क्या हो जाएगा, व्हाट इज पी वी रेशो. पी वी रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स. उससे अपने को क्या मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन और ये राउंड ऑफ करके, राइट. उसके हिसाब से हम फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको रैंक दे देंगे. ये आपका बी सी डी ई, राइट. ओके कहाँ तक हो गया अपना ई एफ जी एच आई. ओके एफ सेल्स इज 750, देन 450, देन 225, then 75 into
पीवी रेशियो इसका 60%, 6.7%, 26.67%, 26%. सही आंसर. इट मींस कंट्रीब्यूशन विल बी सेल्स इनटू पीवी रेशियो. कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपना 750 इंटू 26%, 195, 450 इंटू 26.67%, 120, 225 इंटू 6.67% इज 25 इंटू 6.67% इज 15, 75 इंटू 60% इज 45. नाउ यू गिव द रैंक. हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आपका किसमें आ रहा है? हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में. हाईएस्ट नंबर वन, नंबर टू इज 435, नंबर थ्री इज 300, नंबर फोर इज 255. डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट को नंबर वन, हाईएस्ट को उसको के देन 5 इज 195, देन 6 इज 180, देन 7 इज 120 एंड 8 इज, देन 15 इज 9. सही. टोटल 9 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने 9 को ये दे दिया आपका. सही है सर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? परफेक्टली क्लियर है. अब इनको वही क्यूमुलेटिव के हिसाब से अपन कर लेंगे कंटिन्यू करके ना. यहाँ पे आप दिखा दीजिए, दिस इज कंटिन्यू. अब रैंक देने के हिसाब से अब उनको रीअरेंज करके क्यूमुलेटिव और परसेंटेज दे देंगे अपन ना. स्टेटमेंट शोइंग statement showing analysis of contribution, statement showing analysis of contribution, and this is your Pareto analysis. Yes. 10 मार्क्स आपके पॉकेट में है, राइट? ये सेम सम कई बार एमटीपी में, कई बार आरटीपी में, मॉड्यूल में, सब जगह आपको दे रखा है, राइट? सबसे पहले मॉडल हम लोग ले लेंगे, देन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अरेंज करेंगे रैंक के हिसाब से, राइट? देन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, अब आप देखिए कि हाईएस्ट किस में आ रहा था. हाईएस्ट अपने को आ रहा है बी टू, देन E005, B002, E005. और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको सॉल्व करके मेरे ICI के जो मॉड्यूल है उसके फॉर्मेट में प्रॉपरली दिया हुआ है. देन C003, D004,
yes or no. Okay, and then F 006 model control. F हो गया, उसके बाद A A 001, then G 007, I 009 and H 008. सही आंसर होगा बी में. बी में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था 690, ऑल फिगर इन थाउजेंड्स ओनली. ओके, देन 435, 300, 255, 195, 180, 120, 45 and 50. So total will be 690, 435, 300, 255, 195, then 180, then 120, then 45, then 50 is 2235. So 690 divided by 2235 into 100. Then 435 divided by 2235 into 100, so on. 300 का आ जाएगा, 255, 195, 180, 120, 45, 50 total. 690 divided by 2235 and 200 is 30.87. Percentage, then 435 divided by 2235 into 100, 19.47. Okay, then 300 divided by 2235 into 100 is 13.42. Then 255 divided by 2235 into 100, 11.41. Then 195 divided by 2235 into 100 is 8.73. Then 180 divided by 2235 into 100 is 180 divided by 2235 into 100 is 8.05. Then this is in percentage. Okay, then 120 divided by 2235 into 100 is 5.36. then 45 2210 into 100 is 2.45 divided by 2235 into 100 is
2.01 हो गए, परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऊपर है ना साइन, एंड देन 15 डिवाइडेड बाय 2235 इनटू 100 इज 0.68। टेक द टोटल नाउ 30.87 19.47 13.42 11.41 8.73 8.05 30.87 19.47 13.42 11.41 8.73 8.05 5.36 2.01 0.67 and this comes to 100. Are you following or not, friends? Bataiye aap. परफेक्टली के अब इनका ले लेते हैं पर टोटल, ओके तो दिस इज योर क्यूमुलेटिव कर लेंगे 3.30.87 30.87 प्लस 19.47 इज 50.30.87 प्लस 19.47 इज 50.34 plus 30. Point 9. Plus 8.05 91.95 plus 5.36 97.31 plus 2.01 99.32 plus 0.67 and this comes to 100%. Round off. आपका दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट. आपका आपने पहले क्या किया, ये आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल गया कंट्रीब्यूशन. फिर कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब ना पहले हाईजेस्ट, उसके बाद सेकेंड हाईजेस्ट, उसके बाद थर्ड हाईजेस्ट, उसके बाद फोर्थ हाईजेस्ट, लाइक दिस. तो अपने को ये आ गया, उसको क्यूमुलेटिव कर लिया, ये आ गया. अब ये आपका हो गया, अपने को क्या बोल रहा है, यूजिंग द फाइनेंशियल डाटा कैरी आउट द पेरेटो एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन. सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, ये आपका पेरेटो एनालिसिस हो गया सेल्स का, पहला वाला हो गया सेल्स का, दिस इज पेरेटो एनालिसिस फॉर सेल्स एंड दिस इज द पेरेटो एनालिसिस ऑफ योर कंट्रीब्यूशन. अब आप आ जाइए वन बाई वन. टू आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, डिस्कस योर फाइंडिंग विद द एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन. ओके अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें. मैंने मॉड्यूल में सब कुछ आपको डीकेसी फॉर्मेट में सॉल्व करके दिया है. मॉड्यूल में मैंने आपको सब कुछ दिया है सॉल्व करके डीकेसी फॉर्मेट. ओके क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल दैट रिकमेंड्स फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज दैट, पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल दैट रिकमेंड्स focus on the most important aspect of the decision making in order to simplify the process of decision making. The very purpose of this analysis is to direct attention and efforts of the management to the product or area where the best return can be achieved by taking the appropriate actions.
Pareto analysis is based on 80-20 rule, which implies that 20% of the product account for the 80% of revenue, but this is not the fixed percentage rule. वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था. In general business sense, it means that a few of the products good or customers may make up most of the value of the firm. In present case, four models, namely A001, B002, C003 and D004. ये चार आपके दे रखे हैं, A001, B00 this, C आपका ये, एंड ये टॉप मोस्ट आपके चार प्रोडक्ट हैं. और आपको कितना कंट्रीब्यूशन टोटल अपने को सेल्स दे रहे हैं, अपने को टोटल सेल्स दे रहे हैं मिला के 82.47. इन प्रेजेंट केस फोर मॉडल्स नेमली A001, B002, C003, D004 अकाउंट फॉर 80%. इट मीन्स 82. ये 1, 2, 3, 4 को मिला के 82.47% ऑफ द टोटल सेल्स, वेयर एज अराउंड 80% मतलब कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डिराइव फ्रॉम मॉडल. अब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को कहां पे आ रहा है. इट मीन्स और द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिराइव फ्रॉम मॉडल B002, E005, C003, D004 एंड F006. मॉडल B002, E005 टुगेदर इनका दोनों को ही मिला के खाली 54.34% अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन पर हैविंग ओनली 27.84% ऑफ द टोटल सेल्स शेयर. सो दीज टू मॉडल्स आर द की मॉडल एंड शुड बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट. बोथ C003 and D004 आर एमंग द मॉडल गिविंग 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. These four models. Model F006 features among model giving 80% of the total contribution with relatively lower share to the management should focus on its promotional activity. Model A001 account to 35.05% of the total sales with 8.05 share of the total contribution. Company should review the pricing structure to enhance its contribution. Model G007, G009, H008. Lower share in both total sales while contribution, company can delegate the pricing decision of these model to the lower level of management. मैं starting में आपको बताया था कि अपने को 80% अगर collection हो गया, 80% contribution आ गया, वो टॉप मैनेजमेंट को रखना है, बाकी का जो 20 बचेगा वो आप दूसरे मैनेजमेंट को दे सकते हो. तो विल्फ्रेडो जो पेरेटो थे उन्होंने एनालाइज किया 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है, 80% ऑफ द प्रॉब्लम 20% लोग देते हैं, 20% एक्सरसाइज से 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, 20% चैप्टर्स 80% टाइम्स इन द एग्जाम में आते हैं. सही है सोनो, इतना आप करिए, पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए एंड देन यू कैन डू इट. थैंक यू.